नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्प ट्यूबर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर है कोटक महिंद्रा बैंक में लोन लेने का तो आपको कैसे लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं कोटक बैंक का, अभी मुझे कल ही SMS आया है, बार बार SMS आ रहा है एक दिन बीच डाल के, और व्हाट्सएप ईमेल हर जगह आ रहा है। अभी व्हाट्सएप वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला देख सकते हैं 50,000 रुपए का प्री अप्रूव्ड यहाँ पर ये लोन दे रहा है, जो कि यहाँ पर व्हाट्सएप के मैसेज में ही इसने बता दिया है कि प्रोसेसिंग फीस 1770 रुपए होगा 50,000 रुपए का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 27% होगा। पर्सनल लोन है तो ज्यादा इसका होगा। और फिलहाल में RBI ने रेपो रेट बढ़ाए हैं, तो FD का रेट बढ़ा है और उसके साथ ही लोन का भी रेट बढ़ गया है। EMI आपका होगा 4801 रुपया, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को अवेल कैसे करना है, कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप से। तो चलिए चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप पर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, अभी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का जो ऐप है उसमें लॉगिन किया है, और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो उसी में से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे देगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोन्स का, ठीक है, लोन्स वाला ऑप्शन है ये वाला, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोन एंड कार्ड ऑफर्स, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके बैंक अकाउंट पर जितना भी ऑफर चल रहा होगा टोटल यहाँ पर दिखा देता है, जैसे कि देख सकते हैं पर्सनल लोन वाला ऊपर ही दिखा रहा है। क्रेडिट कार्ड एक अपग्रेड करने का भी ऑफर चल रहा है मेरे अकाउंट पर, और यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो कि डेबिट कार्ड पर लोन मिलता है वो भी यहाँ पर दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पर्सनल लोन अवेल करना है, देखना है कि कैसे हमें अवेल करना है। तो चलिए गेट इट नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आपको वेट करना है, और यहाँ पर ये इसका जो डिटेल होगा टोटल खुल जाएगा, देख सकते हैं। आपको कोई भी लोन एप्लीकेशन नहीं भरना है, 2 मिनट में ही मिल जाएगा, और ना ही कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देना है, आसानी से लोन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मेरा जो लिमिट है वो 50,000 रुपए का ही है, हो सकता है आपके अकाउंट पर इससे ज्यादा का भी हो या फिर इससे कम का भी हो। मिनिमम यहाँ से देख सकते हैं 10,000 रुपए का आप लोन ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, और सेलेक्ट टेन्योर 12 महीने का आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देख सकते हैं मिनिमम 10,000 रुपए का, यहाँ पर 15, 20, 5,000 के फॉर्मेट में यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है, 5,000 रुपए के फॉर्मेट में ये बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर 10,000 कर देता हूँ, और आप यहाँ पर क्योंकि अमाउंट कम है तो 12 महीने का ही दे रहा है, यहाँ पर आपको 12 महीना एकदम रखना ही रखना है। अगर अमाउंट ज्यादा होता तो यहाँ पर 12 महीने के अलावा 24 महीने या फिर 36 महीने भी हो जाता, या फिर किसी का तो 4 साल तक का भी होता है। ठीक है दोस्तों, 10,000 रुपया मैंने यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि मुझे इसका जरूरत नहीं है, मैं डेमो के तौर पर आपको लोन लेकर के दिखाऊंगा। और यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपया मैंने कर दिया है, 12 महीने का टेन्योर है, और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर EMI 960 रुपए का पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 27% का है, और नॉन रिफंडेबल जो कि प्रोसेसिंग फीस इसका लगेगा 354 रुपया लगेगा, क्योंकि अमाउंट कम हो गया तो यहाँ पर 354 रुपया ही लगेगा। अगर मैं 50,000 रुपया लेता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 रुपये का जो रेट है वो दूसरा हो जाता, देख सकते हैं 1770 हो जाता, लेकिन मैं 10,000 रुपया ही ले रहा हूँ तो यहाँ पर इसका सब कुछ कम लगेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर नीचे बता रहा है कि हमारा जो EMI है इस सेविंग्स अकाउंट नंबर से कटेगा, जिसमें ये तुरंत डिस्पर्स किया जाएगा। अभी मैं जो लोन ले लूंगा और जो मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा आ जाएगा जिस अकाउंट में, उसी अकाउंट से मेरा जो EMI है वो कटेगा। मुझे टोटल अमाउंट पे करना होगा 11,520 रुपए, जो कि ब्याज बनेगा 1520 रुपए का। ठीक है, APR इसका 38.33% का है। ठीक है, पर्पस यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, इसमें से आप कोई भी पर्पस सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हॉलीडे का लोन ले रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए ले रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर यही डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक बार आपको कंफर्म करने के लिए आ रहा है, देख सकते हैं प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, यहाँ पर एक बार फिर से सब कुछ दिखा रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस 354 रुपया और स्टैंप ड्यूटी जो कटेगा 200 रुपया। यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, इसका काट के पैसा आपको मिलने वाला है यहाँ पर 9,446 रुपए, स्टैंप ड्यूटी और प्रोसेसिंग फीस सब कुछ काट करके। ठीक है, अगर आपको लेना है इस पर टिक करिए, टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे जाइए, ऑप्शन आ चुका है आई एग्री एंड एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसमें टिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर कोई नोटिफिकेशन लेना तो इस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कि कोटक के कोई इम्प्लॉई ने आपको हेल्प किया है तो इस पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट एड्रेस या मोबाइल नंबर है तो इसमें टिक करके आप यहाँ पर भर सकते हैं, मैं नहीं भर रहा हूँ। तो यहाँ पर चलेंगे नीचे और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे, और मोबाइल नंबर तो मैंडेटरी मांग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देते हैं इस बॉक्स में टिक करके, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है दोस्तों, यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और एड्रेस मैं नहीं डाल रहा। ठीक है, अब OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है OTP आ चुका है। OTP मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इस पर यहाँ पर डाल दूंगा, सबमिट कर देता हूँ। एकदम आप लाइव देख रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन,
योर टॉप अप पर्सनल लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड विल बी डिस्पर्स इंस्टेंटली। मतलब ये तुरंत ही ये जो पैसा है ये मेरे अकाउंट में तुरंत ही भेज दिया जाएगा, और जो EMI होगा वो 5 तारीख को मेरे अकाउंट से पैसा काटेगा EMI के तौर पर, और नेट अमाउंट इतना भेजा है, EMI मेरा 960 रुपए का होगा, और यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। और मेरा जो EMAIL ID है वो यहाँ पर दिखा रहा है, इस EMAIL ID पर मेरा जो कन्फर्मेशन ईमेल है वो भेज दिया है, उसमें टोटल डिटेल होगा। अब होम के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब चलते हैं होम पेज पर। और दोस्तों मैं अभी तुरंत होम पेज पर आ चुका हूँ, और ये तुरंत डिस्बर्सल करने वाला था, प्री अप्रूव्ड ऑफर था, तो यहाँ पर मेरे अकाउंट में पैसा आ चुका होगा। यहाँ पर कोटक 811 के ऊपर मैं क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ, तो यहाँ पर तो पैसा आ ही चुका है लगभग, मुझे लग रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये पैसा आ गया है मोबाइल बैंकिंग PL, यहाँ पर जो कि मेरा पैसा है वो आ चुका है। 10,000 रुपए में से कट के देख सकते हैं 9,446 रुपए आ चुका है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी और प्रोसेसिंग फीस इसने काट रखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड ऑफर है तो कोटक से लोन लेना काफी आसान है, लेकिन ये चार्ज आपको देना होगा। उम्मीद है ये वीडियो देख करके आप भी, अगर आपको जरूरत है तो आप लोन ले पाएंगे, ये काफी एक्सपेंसिव है लेकिन जिन लोगों को जरूरत है वो तो लेंगे ही। मेरे EMAIL ID पर सब कुछ भेज दिया गया होगा, जैसे कि इसका टोटल डिटेल वगैरह, और मेरा हर महीने 5 तारीख को ये पैसा काटेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।